वेलकम व्यूअर्स नेटमैग न्यूज बुलेटिन वर्ल्ड टुडे एंड टुमारो के साथ मैं हूं रबिया पागल। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जाने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान के लिए रदामन और अब यूट्यूब पर ब्रेकिंग न्यूज सेक्शन भी मौजूद। माइक्रोसॉफ्ट स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ने इंसानी सलाहियतों के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का लार्जेस्ट कुकी मोज़ाइक एजाज पाकिस्तान के नाम और पनामा पेपर्स ने भारत में भी हलचल मचा दी। मजाकिया अदाकार जेरी लुइस अपने मदाहों से जुदा और अब पाकिस्तान में चीनी खिलाड़ी भी खेलेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। क्रिकेट के शायकीनों के लिए खुशखबरी, बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की पाकिस्तान दोबारा आमद। वर्ल्ड 11 और श्रीलंका के बाद अब वेस्ट इंडीज की टीम भी पाकिस्तान आने के लिए हो गई है रदामन। रवा साल नवंबर में 3 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले जाएंगे और अब यूट्यूब की जानिब से ब्रेकिंग न्यूज का अलग सेक्शन वेब पेज पर मौजूद होगा। ताहम ये फीचर तमाम यूजर्स के लिए दस्तयाब नहीं है, इस साल के इख्तिताम तक ऑफिशियल लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके बाद ये फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन पर अवेलेबल होगा। माइक्रोसॉफ्ट स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ने इंसानी सलाहियतों के तमाम तकाजे पूरे कर लिए हैं। गुज़श्ता साल कंपनी की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट में 5.9% एरर आया था। ताहम इस साल कंपनी ने बेशुमार तब्दीलियों के बाद इस एरर को महज 5% पर रोक लिया है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ह्यूमन एक्यूरेसी के एन मुताबिक काम करेगा। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लार्जेस्ट कुकी मोज़ाइक का एजाज पीक प्रिंट कंपनी ने अपने नाम कर लिया है। ये मोज़ाइक पीक प्रिंट कंपनी की जानिब से 17वीं यौम आजादी के जश्न के मौके पर बनाया गया था। तफसीलात के मुताबिक कुकी की तादाद 1,50,000 थी, जबकि इसकी पैमाइश 226.50 square meters बताई गई है और पाकिस्तान के बाद अब भारत में भी पनामा पेपर्स ने हलचल मचा दी है। पनामा पेपर्स में भारतीय शहरियों के नाम भी मौजूद थे, जिनमें मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन समेत 30 अहम शख्सियात के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ तहाल कोई खास तहकीकात नहीं की गई, मगर अब अमिताभ बच्चन के खिलाफ इनकम टैक्स ऑफिस ने एक्शन ले लिया है, जिसके बाद आयरलैंड की टीम भारत में आके तहकीकात करेगी। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के सबक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा फैसले के बाद ही नाअहल करार दिया गया था। और हॉलीवुड के मारूफ कॉमेडी अदाकार हिदायतकार और लिखारी जेरी लुइस अपने मदाहों से जुदा हो गए हैं। जेरी लुइस 91 वर्ष की उम्र में वफात पाई, जबकि इनकी मशहूर फिल्मों में नटी प्रोफेसर शामिल है। आपको बता के चलेंगे जेरी लुइस 5 वर्ष की उम्र से कॉमेडी का काम कर रहे थे और अब PSL 3 में चाइनीज खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। CPAC और दीगर मंसूबों के बाद अब खेल की दुनिया में भी चीनियों ने पाकिस्तान आना शुरू कर दिया है। PSL 3 में पेशावर दर्बी में 2 चाइनीज प्लेयर की आमद के इम्कान है और ये खबरें सामने आई हैं चाइनीज रिप्रेजेंटेटर आमिर सोहेल की जानिब से। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट www.netmag.pk और हमारा YouTube चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।